हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख। गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था हलाल के नाम से, कि ये बिजनेस जो है इसमें सूद का कोई भी काम नहीं है, ये एक हलाल बिजनेस है। इसमें जो भी पैसे आपको मिलेंगे वो पैसे आपको बिजनेस में लगाकर जो आपका पैसा बनेगा वो पैसे आपको दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें सूद को बिल्कुल भी नहीं रखा गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि सूद हराम है, तो इस वजह से सूद का कोई भी उसमें नहीं रखा। इसको तिजारत के तौर पे, एक बिजनेस के तौर पे चलाया गया और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। स्टार्टिंग में जिन लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट किया उन्होंने अच्छा मुनाफा वहाँ से उठाया और काफ़ी अच्छी अर्निंग की, और उसमें बहुत से लोग बहुत खुश थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भाई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, और इस कंपनी ने लोगों को मंथली इनकम देना स्टार्ट कर दिया है। तो लोगों ने काफ़ी पैसे अपना इन्वेस्ट किया इन चीज़ों में, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 20 लाख, तो इस तरह से पैसे को इन्वेस्ट करते। सब कुछ सही चल रहा था स्टार्टिंग से। डॉक्टर नोएरा शेख का बिजनेस भी बहुत तेज़ी से फैल रहा था, उनका नाम भी होता जा रहा था, अब बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ सिचुएशन ऐसे हुई जिसमें डॉक्टर नोएरा शेख पर इल्ज़ाम लगाया गया और उनके बिजनेस को ठप करने की पूरी कोशिश की गई और उनके बिजनेस को ठप कर दिया गया। अब लोगों के अंदर ये परेशानी हुई कि हमने इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, अब वो पेमेंट हमें नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई कि डॉक्टर नोएरा शेख को जेल जाना पड़ा और जिसकी वजह से जो उनके बिजनेस का निज़ाम है वो धरम बरहम हो गया और इन्वेस्टर्स को उस टाइम काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमने इतना पैसा तो इसमें इन्वेस्ट कर दिया, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन फिर भी अदालत में केस चलता रहा। फिर डॉक्टर नोएरा शेख को बेल मिली और उन्होंने अपने बिजनेस को दोबारा इस्टेब्लिश किया और उन्होंने कई वीडियोस पेमेंट से रिलेटेड बनाया और अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका पेमेंट ज़रूर मिलेगा। वक्त ही आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, लेकिन हमारी पूरी टीम और मैं खुद इस काम में लगी हुई है। डॉक्टर नोएरा शेख ने वहाँ से वीडियो में अपने इन्वेस्टर्स को बताना स्टार्ट किया। इन्वेस्टर्स के अंदर एक उम्मीद जगी कि अब जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी हमें जो है पैसे दे देगी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि कुछ डेटा का मैटर फंस गया कि उनको SFIO से और सुप्रीम कोर्ट से वो डेटा नहीं मिल पाया, किसको दिया जा चुका है, किसको देना है, वो सारे डेटा उनके पास नहीं थे। तो डेटा के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई और डेटा कलेक्ट करते करते 8 साल से 1.5 साल हो गए। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए, अगेंस्ट पार्टी जो है इसमें बहकाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स को कि देखो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को अगर पेमेंट देना होता तो वो कब का दे चुकी होती, उसे पेमेंट नहीं देना है, इस वजह से वो जो है टाल मटोल कर रही, डेटा का बहाना कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर डॉक्टर नोएरा शेख ने जूम मीटिंग रखी जिसमें लोगों ने उनसे फेस टू फेस बात की, अपने क्वेश्चंस को रखा और अपने सवाल को रखा, और उसके साथ साथ उन्होंने सबके जवाब कि हमारी टीम क्या कर रही है, हम उसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया। लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि डॉक्टर नोएरा शेख हम लोगों के लिए कोशिश कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है इन्वेस्टर्स को लगता था कि ये बहुत जल्द हो जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये काम डेटा वाला नहीं हो पाया तो डॉक्टर नोएरा शेख ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने ये बताया अगर SFIO से हमें डेटा नहीं भी मिल पाता है तो भी हम अपने प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने इन्वेस्टर्स को हम पेमेंट देंगे। प्रॉपर्टी का अब जहाँ तक बात है कि रिसेंटली जो अपडेट आई है कि डॉक्टर नोएरा शेख ने जिस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है उसको जो है चूज़ कर लिया है और उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट। आप जो है बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख जो है प्रॉपर्टी को चेक कर रही हैं अपनी टीम के साथ और उसका मुआयना कर रही हैं, उसको ऑब्जर्व कर रही हैं और वो देख रही हैं कि इसमें कितने पेमेंट उनको मिलेगा। जहाँ तक डॉक्टर नोएरा शेख का सवाल है, उनका कहना है
कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि हम अपने सारे इन्वेस्टर्स को पेमेंट अब इन्वेस्टर्स को क्योंकि पेमेंट चाहिए तो वो इसी इंतजार में है कि किसी तरह से भी उनका पेमेंट उनको मिल जाए ताकि वो अपने किसी और काम में लगा सके, अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। इसके लिए इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेचैनी है और लोगों के दिलों में एक अलग अलग ख्याल आते हैं कि क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की CEO डॉक्टर नवेरा शेख इतना कह रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा होता नजर नहीं आया। अब डॉक्टर नवेरा शेख को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपनी प्रॉपर्टी वाला काम करके अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट देना स्टार्ट करें ताकि जो है उनको जल्द अज जल्द पेमेंट मिल जाए और कंपनी का विश्वास उनके अंदर बना रहे और ये भी रहे कि डॉक्टर नवेरा शेख ने अगर कहा तो उस काम को पूरा किया, उस काम को उन्होंने कंप्लीट किया है। इससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा खुशी होगी और जो लोग बेचारे मजबूर हैं जिन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया उनको पैसे भी मिल जाएंगे और वो अपनी ज़रूरियात को पूरा भी कर सकेंगे। तो डॉक्टर नवेरा शेख से यही गुजारिश है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आप इस पर जरूर ध्यान दें कि जल्द अज जल्द कि इन्वेस्टर्स का पेमेंट उनको मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि इन कामों में बहुत टाइम लगता है लेकिन आपने बहुत जल्दी काम किया है, साल से डेढ़ साल हुए हैं आपने इस काम को कंप्लीट किया, आपने परमिशन लिए सिपाही अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की, इसके लिए सभी इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जब उनको पेमेंट मिल जाएगा तो वो कम्प्लीटली खुश हो जाएंगे। तो गाइज तो डॉक्टर नवेरा शेख की ये कहानी थी, वहाँ से स्टार्ट हुई। अब उन्होंने क्या रिसेंटली आपने देखा कि उन्होंने फिर भी अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, डिजिटल गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किया, हीरा मार्ट को स्टार्ट किया, तो अपने बिजनेस में वो लगी हुई अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने उसमें पैसे भी इन्वेस्ट किया हुआ है डिजिटल गोल्ड कॉइन्स में और उसका प्रोसेस बहुत अच्छा रखा गया कि डिजिटल गोल्ड कॉइन्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है और जहाँ भी हो आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो वहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन के थ्रू एक इंटरनेशनल काम स्टार्ट किया उन्होंने। हीरा मार्ट के बारे में तो आप जानते हैं कि डॉक्टर नवेरा शेख ने कई जगह हीरा मार्ट को स्टार्ट किया है, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है और इसमें बहुत ज़्यादा खुश है, उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर नवेरा शेख बहुत जल्द अपने इन्वेस्टर्स का भी पेमेंट दे देंगी और इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट रेगुलरली बेस पर मिलते रहते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू।